गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे कि आज के हमारी जो क्लास है संविधान की क्लास है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ाया आज एक बार वो रिवाइज कर लेती है। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलता हूँ, जितने भी छात्र हैं सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। हमारा जो मोटो है फ्री शिक्षा का मोटो है, हमारा आज का जो क्लास का जो मोटो है फ्री शिक्षा, सभी के पास फ्री शिक्षा जानी चाहिए, सभी ये वीडियो देखे फ्री। हम हमारी वीडियो देखें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, 1946 पार्टीशन का टाइम था, बंटवारे का टाइम, पीओके पाकिस्तान और इंडिया जितनी भी देशी रियासत थी वो सबको ये उनकी चॉइस थी कि वो किधर जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साइड और या हिंदुस्तान के साइड, उनको पूरी आज़ादी थी, वो अपने अपनी रियासत को किधर भी जाके जा सकते थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने 3 आदमियों को इंडिया में भेजा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि ये अपनी कानून कैसे बनाएगी, संविधान कैसे बनाएगी, मतलब समानता कैसे होगी, किस देश के पास कितनी रियासत है, उसको कितने मतलब कितना बंटवारा कैसे कैसे होगा। उन्होंने 3 व्यक्तियों को भारत भेजा। सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फ्रांसिस लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, उनका तीनों का ये काम था कि भारत में कानून व्यवस्था कैसी होगी, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर होगा, किसको कितना बंटवारा मिलेगा, समानता मिलेगी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी ने 1924, कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी ने जो भारत का की प्रस्तुत की थी वो किस कब की थी, संविधान की जो प्रस्तुत की थी वो कब की थी, 1924 में, ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 300, ये भी 3 भागों में डिवाइड थी, 292 तो थी ब्रिटिश, 4 थे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और 93 थी देशी रियासतें, जो हमारे देशी राजाओं की छोटी बड़ी रियासतें, और 93 थी 4 चीफ कमिश्नर थे और 292 थी, और ये 292 वे रियासतें थी जिनके पास जिनका कोई वारिस नहीं होता था उनको ब्रिटिश कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। तो 292 रियासतें ऐसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रियासतें थी, ये हमने पिछली क्लास में देख चुका, आप हमारे पिछली वीडियो पर जाके ये सब देख सकते हैं एक बार, जो नए स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुआ जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, उस टाइम कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को। Gracias.
अन्य, इसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी उभर गई थी उस चुनाव में 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 इस दिन जो हुआ था अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य है, पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बुजुर्ग ओल्ड मैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा के में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद शुरू से ही हैदराबाद जो थी वो नवाबों की रियासत थी, वो जो पाकिस्तान के और जाना चाहते थे शुरू से ही 1946 से ही। प्रांत या देशी रियासत उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा ने प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका अनुपात पूछा जाता है तो 1/10 या 10 लाख। दस लाख पर एक सीट का विवरण हुआ था। उस समय सबसे ज्यादा समुदाय जो मेजोरिटी थी, 3 समुदाय की सबसे ज्यादा मेजोरिटी थी। उन 3 समुदायों को हम आपको बताते हैं, उससे पहले जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपको मोटिवेशनल लगता है तो आपको कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो पर। संविधान सभा की प्रमुख समितियां हर बार कोई पेपर में आती है समितियां। सबसे पहले समिति है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मोस्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जितने भी प्रांत थे इंडिया के अंदर उन सब प्रांतों को भारत के रूप में बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जूनागढ़ था गुजरात में, वो भी पाकिस्तान को जाना चाहता था। हैदराबाद ये भी पाकिस्तान को, ये भारत से सीधा रास्ता जाने के लिए मांग रहे थे पाकिस्तान को। और जम्मू कश्मीर जो आज तक डिस्ट्रीब्यूटेड है JK, ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जिनको भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर लाठी का उपयोग किया, यहाँ पर पुलिस बल का उपयोग किया, यहाँ पर इलेक्शन जूनागढ़ में इलेक्शन करवाए। जूनागढ़ की जो जनता थी वो इंडिया में रहना चाहती थी भारत में, और जो यहाँ के राजा था वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो जो जूनागढ़ की जनता, इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जनता भारत में आ गई। उसके बाद जो हैदराबाद के निजाम थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो इंडिया से एक अलग अपना सेपरेट बिल्कुल एक अलग अपना देश मान रहे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। और जो राजा यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा तो हिंदू थे और मेजोरिटी यहाँ पर मुसलमानों की थी सबसे ज़्यादा, तो जम्मू कश्मीर के साथ भी यही हुआ। तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग आज भी POK के रूप में पाकिस्तान के पास है और कुछ भाग चाइना के पास है। तो ये देशी रियासतों को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो रणनीति बनाई और इंडिया को एक अगर वो बिल्कुल नक्शे आज अगर आप हैदराबाद पाकिस्तान के पास होता तो कैसा लगता आपको, बिल्कुल 20 साल जाती पाकिस्तान
और जूनागढ़ और इधर से एक जम्मू कश्मीर भी अगर पाकिस्तान के, तो नक्शा कैसा बनता समझ में नहीं आता हमें कि भाई कैसे क्या छोटा सा बिल्कुल एकदम। इधर भी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था दोस्तों वो थी प्रस्तावना। प्रस्तावना आज हम आपको बिल्कुल डीप एक एक पॉइंट समझाएंगे प्रस्तावना को। कितने बच्चों को प्रस्तावना का मतलब नहीं मालूम होगा, हम उनको प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। दोस्तों जब तक मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक आप नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान दबाए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आए। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संशोधन, जो 42वां संशोधन हुआ था ये बहुत बार कई बार कितना भी कोई सा भी संविधान का मतलब कोई सा भी पेपर आप उठा संविधान के क्वेश्चन से यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। 42वां संशोधन 1976 हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली संबद्धता बढ़ाने के लिए दर्शनकम होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को कदाचित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करते हैं। हम भारत के लोग मैन जो पॉइंट है हर बार हम भारत के लोग क्यों कहा जाता है, क्यों आज तक जितने भी इलेक्शन होते हैं क्यों भारत को लोकतांत्रिक क्यों भारत को लोकतांत्रिक कहा जाता है, क्यों भारत को के मिनिस्टर वोटिंग के लिए जनता को रेलिया करते हैं, इसलिए कि हम भारत के लोग जितनी भी पावर है हम भारत के लोगों में ही है। किसी भी मंत्री को गिराना, किसी को उठाना, किसी प्रधानमंत्री को उठाना गिराना, ये सब मेन पॉइंट बनाया गया था। हम भारत के लोग समाजवाद, सभी समाज का सम्मान करना, समाजवाद पंथ यानी कि अपने ग्रुप बना के रह सकते हो आप, लोकतांत्रिक आपको पूरे देश में घूमने की फुल आजादी है, सभी समाज का सम्मान करना, अपने ग्रुप बनाकर रहना, आपको पूरे देश में घूमने की आजादी है, और अभिव्यक्ति विश्वास आप किसी भी धर्म के सम्मान करना, उपासना करना आप अपनी उपासना कर सकते हो, अखंड यानी कि अखंड का मतलब होता है पूरे भारत को जोड़े रहना, अखंडता। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं भाई पेपर में, इनको ध्यान से देखना बच्चों, ये बिल्कुल बिल्कुल मोटी मोटी बिल्कुल गहरी, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल डीप वाली पढ़ाई है आपको। बिल्कुल एक बार लाइक, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। प्रस्तावना की मुख्य बातें,
प्रस्थान की मुख्य बातें हैं। टाइम थे जो 5:05 बंद करने ना।